हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप राधे राधे भी सभी को। माँ के जाने के बाद हम लोग थोड़ा इरेगुलर हो गए हैं। मैं हो गया हूँ थोड़ा सा इरेगुलर, थोड़ा सा समझ में नहीं आता। 40 दिन बीत गए मम्मी को गए हुए, एकदम एक एक दिन काउंट करते करते, पुरानी वीडियोस देखते देखते, फोटोज़ देखते देखते, जब भी याद आती है मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है ऐसे। मैं सच बताऊँ, इन टॉपिक्स में बोलता नहीं हूँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि जब भी बोलो ना, या जब किसी से डिस्कस करो या कुछ भी ऐसा करो, तो बिल्कुल एक अलग ही जोन में मैं चला जाता हूँ। ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था मैं अपनी मम्मी बिना रोए आप पूरा ब्लॉग के बनाए। मैंने जो बहुत ये ज़्यादा लास्ट ब्लॉग नज़दीक मैंने डाला था। है उसमें मैंने इन्हें ऐड करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि मैं आना नहीं चाहता। तो आना क्यों नहीं चाहते, ज़रूर आइए और अपनी मन की बातें करिए। यहाँ आप बोलते हैं, अच्छे से बोलिए और इस तरीके से। अचानक चली गई, बस इस चीज़ का दुख है। ऐसा कुछ नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं थी हाँ, मेरी ये माँ। हमें बहुत बड़ा मतलब वो है कि अब तो ना मेरे को यकीन हो गया, अब लाइफ में कुछ भी आगे का सोच के चलना ही नहीं है। जो है कर लो, कोई भरोसा नहीं है। माँ जैसे गई है ना, उसे भरोसा उठ गया है कि लोग बैठे फ्यूचर का बैठे सोच आप के देखो, चलेंगे। 8:30 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं चाय साथ पी रहे में, थे 9 बजे हो निकली, फिर भी सिर्फ इसलिए कि बच जाए किसी तरीके से, हॉस्पिटल ले गए। और देखो, मैं किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन ना अभी मेरा पूरा हर चीज़ वहीं सारा मूव नहीं दिन करता है। वहीं घूमता रहता है। स्माइल नहीं ब्लॉग भी करता, नहीं हंसना बनते तो हैं दूर की हमारे, बात है, ब्लॉग तो नहीं बनते रील, क्योंकि क्योंकि ये मेरे मम्मी को की वो रील्स देखते एनर्जेटिक रहते हैं फील नहीं सारा दिन। करता। सारा दिन मम्मी की रील्स के साथ बैठे सारा दिन रहते मैं हैं, रील्स कमरे डालता से नहीं रहता आते। हूँ और अपने काम में बिज़ी रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को ना अंदर से इस चीज़ को कैसे, मैं किसी से मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि मैं कैसे कोई ऐसा मंत्र ले आऊँ जैसे कि जिससे कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, थोड़ा इन मंत्र चीज़ों से आपके आगे घर में निकलूँ। ही है, हमारी जो प्यारी शुभी है, आप उसको जितना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, शुभी आप के साथ खेलता उतना हूँ ज़्यादा मैं, आप अपने उसको मन को प्यार बहला करता हूँ, पाएंगे। बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बैठ के आके वो बहुत घंटों घंटों बैठी हाँ रहती है, खेलती रहती है, कोई भी एक चीज़ दे दो मेरे को देख देख के खेलती रहती है सारा बिल्कुल, दिन। लेकिन माँ के जाने का जो दुख है ना, मेरे को अंदर से जो वो कचोटता है ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना कचोटता है। अच्छा क्यों ठीक है, चली गई चलिए। मम्मी ऐसे एकदम अचानक, क्यों नहीं, मतलब अब सुख के दिन आए थे घूमना फिरना, तो मैं बहुत मैं बहुत तीर्थ स्थानों के दर्शन कराया था, और भी बहुत सारी चीज़ें कोई प्लान्ड बात नहीं, थी। आप ना ये सोच के खुश होइए कि आपने जो किया वो नहीं, कम मेरे को नहीं किया, संतोष नहीं नहीं मिलता, मिला, मेरे कोई को ना बात नहीं, संतोष नहीं मिलता, किसे मेरे को मिलता शायद है? कभी किसी मिलेगा भी भी नहीं संतोष, क्योंकि संतोष कैसे एज मिलेगा मेरे में को समझ में गार्जियन नहीं माँ माँ आता। माँ होती है, माँ बाप माँ पिता होते हैं। मम्मी कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी हालात में वो जाएंगे, तो यही तकलीफ होगी कि और रहती थोड़ा और रहती। लेकिन मम्मी का तो चलिए पॉजिटिव मतलब ये है कि सब कहते हैं जैसा कि वो बहुत अच्छे से गई, उनके जैसा भाग पता सबको नहीं, मिले। हम तो हाँ सब कहते हैं, कहते हैं हम सब, तो यही मम्मी चाहते के हैं। जैसा भाग्य सबको मिले, सब सुहागन होके जाए, पूरा परिवार देख के जाए, लेकिन 10 साल और रह जाती ना खाली, मम्मी के तो बाल तक सफेद नहीं हुए थे, मम्मी का एक दांत नहीं टूटा था। ये सारी ये बातें सब बहुत चीजें जब याद आती है ना, तो मुझे लगता है कि भगवान आपने बहुत बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। अब तो उसकी उम्र थी भी ना थी पोतों के साथ खेलने की, अभी देखो परिणत नहीं हुई थी। अब इसलिए क्योंकि दीदी की जल्दी शादी हो गई, मुन्नू की भी जल्दी शादी हो गई, अदरवाइज ऐसी कोई एज तो नहीं थी मम्मी की कि वो परिणत नहीं देखती। बहुत ही कम एज में चली गई मेरी मम्मी, इस चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। हम बचा नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं 10 तरह के ख्याल आते हैं मन में, ऐसा कर लिया होता, ऐसा कर लिया होता, वो ऐसा कर लिया होता, ये सारे ख्याल आते रहते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे समझाते रहते हैं चुकी चीज़ों से आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन आगे कैसे बढ़ूँ मैं जब अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से नहीं, मैं किसी सामने बैठे लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे रोना आ ही जाता है। मैं तो अपने ऑफिस में भी किसी कॉल पे नहीं बात कर रहा हूँ आजकल, सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं मुझे अपने DRs को, तभी मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी किसी से बात नहीं करता। कोई भी तरह की टॉपिक पे ना, एक
माँ का कोई पूछ ही लेता है ना तो मेरे को तभी लगता है भाई यही मत पूछा करो बस कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं, मैंने देखा है लोग बहुत जल्दी ना अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। करते हैं, और जो मेंस होते हैं ना वो तो उनमें तो ये अलग ही पावर होती है। हाँ मैं होती है ना, पापा को देख रहे हैं आपकी नहीं देख रहे हैं, पापा भी दुखी होंगे, बहुत दुखी हैं वो भी, सबके दुख जताने का तरीका अलग होता है, बहुत अलग। हाँ सबका सबको याद करने का तरीका अलग होता है, सब किस तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए थे ये भी तो बात मायने रखती है ना। मैं बेटा हूँ ना, मेरे को बहुत ज्यादा दुख है, इसने वीडियो डिस्कनेक्ट कर दिया कि तुम रो रो के मत बनाओ। ठीक है मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे लोग दीदी के पीछे ही पड़ गए हैं, दो दो ब्लॉग डालती है, दो दो ब्लॉग डालती है, भाई ठीक है हमारे घर में इतना कंटेंट है, उन्हें मिल रहा है वो डाल रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसके साथ क्या दिक्कत है तो वही जानता है ना कि वो क्यों इतने एफर्ट्स कर रहा है कोई भी, ये आप नहीं समझ सकते हो, तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ही किया करो किसी का। हम इंसान दुनिया में ना बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, अच्छा है कि आप लोगों को अच्छा बोलो, सपोर्ट करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, लेकिन जो पॉजिटिव कर रहा है या फिर जो उठने की कोशिश कर रहा है उसको उठाने में ज़रूर आप लोग सपोर्ट हमेशा करते रहना चाहिए। हमारी सुंदर सुंदर निर्मला सिंह जी जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, मोनिका वर्मा आपको तो भूल नहीं सकता मैं हमेशा से ही, मोनिका जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। शालिनी सिन्हा जी बोलती हैं कि भाई किया करो आप लोग रोज़ ब्लॉगिंग किया करो। सुप्रिया कश्यप कह रही हैं कि ऐसे आप लोग बाहर मत रहिए, अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ना थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, मैं मम्मी के साथ ना सच बताऊँ हम तो, मेरा बाहर जाने का मतलब होता था कि मम्मी साथ में जा रही है, हम कुछ खाने जाओ, कहीं शॉपिंग के लिए जाओ, मम्मी साथ में जा रही है। मैं कभी ये चिढ़ती भी थी कई बार कि हर चीज में मम्मी मम्मी, चाहे शॉपिंग हो जाए चाहे कुछ हो जाए, ये तो गलत मम्मी मम्मी। अपने इमोशंस तो आप रो रो के कह रहे हैं और मुझे विलन बना रहे हैं, मैं विलन किस बात की हो गई? नहीं मैं विलन नहीं बना रहा हूँ, होता है इंसान को, लेकिन मेरा पता नहीं क्या था, हर चीज में यही रहता था मम्मी मम्मी मम्मी। बहुत दुखता है मुझे ये सब सोच के, अकेला बैठा रहता हूँ, सोचता हूँ कि कभी उधर से वो झाग में आ जाएंगी। हाँ वो पर्दा हटा हटा के देखती रहती थी, नहाए कि नहीं खाए कि नहीं, क्योंकि ये नहाने खाने में बहुत आलस करते हैं, तो वो जब तक ये कहा नहा नहीं लेते थे, पूजा नहीं कर लेते थे, वो अपने कमरे में लेटे लेटे पूछती रहती थी मेरे से, चाहे आवाज़ लगा के कभी कभी, तो कचोटती होंगी ये सारी बातें। कोई मुझे कोई मंत्र बता दे जिससे मैं भूल सकूँ ये सारी चीज़ें। हम तो सुबह की पहली चाय उनके साथ पीते थे, हमसे पूछो, सबसे पहले घर में उठती हूँ वो उठती थी, मैं उठती थी वो उठती थी, पापा का सारा तैयारी वो करके देती थी, अब मुझे सब करना पड़ता है, मुझे बहुत कैसा लगता है। बहुत सारे लोग हैं अभी कमेंट किया हुआ है हमारे रूपाली शुक्ला जी ने, बहुत सारे लोगों के माँ बाप कम उम्र में चले जाते हैं, वो थोड़ी ना जीना छोड़ देते, सही बात है, पता नहीं कैसे वो दुख से पार पा पाते होंगे, भगवान सबको अलग अलग बनाता है, मुझे इतना नहीं उन्होंने पुष्ट बनाया है, शायद मेरा कलेजा ऐसा नहीं है, समझ में ही नहीं आता मैं कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ू। मैं ना शाउट आउट करने आया था कि हमारे इतने अच्छे से सब्सक्राइबर है, उन सबको, उन सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उन सब कमेंट को देख के सबका आप लोगों का ऐसे हो ही नहीं पा रहा, सोनिया ना लिखती मामा जी पर ज्यादा असर हो गया, अन्नू में भी बहुत असर, दीदी वगैरह सब पे, दीदी शुरू से ही थोड़ी स्ट्रांग है, शुरू से थोड़ा इमोशनल हूँ, क्या करूँ अभी, देखो ना 2 साल भी दे हुए आप लोग घूमने गए थे
समझ नहीं आता कैसा था मैं कहता था मम्मी मैं आपको ना सारे तीर्थ दर्शन करा दूंगा सारी नदियों में मैं स्नान करवा दूंगा, कृष्णा में स्नान करवा दिया है मैंने, मैं कावेरी में भी स्नान करवा दूंगा मम्मी जितनी पवित्र नदियां हर जगह जाना था, पवित्र तीर्थ स्थानों में जाना था, लेकिन नहीं जा पाए यही सब चीजें सोचता रहता हूँ मैं यही वजह है तो हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, यही है वो वजह। नेक्स्ट व्लॉग में हम सारे कमेंट वो करेंगे, ठीक है गाइस, इनको संभालने देते हैं पहले, फिर करेंगे हम ब्लॉगिंग।